press the bell icon to get first notification of Tech in this new video. यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आए हैं टेरेस पे और ड्रोन को हमने चालू करके रख दिया है। एंड यहाँ पे है हमारा रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 GPS यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं ड्रोन के साथ एंड कूट टेक ऑफ मिल गया है। अब टेक ऑफ दो तरीके से किया जा सकता है, ये कि आप एक बार दबा के फिर से दबा के होल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक होगा, या फिर आप यहाँ पे ये जो दो स्विच है वो ऑल द वे आप इस तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्रोन के प्रिपेलर स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर आप अपनी तरीके से उड़ा सकते हैं। हम यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैसे उड़ाना है या फिर ऑटोमेटिक टेक ऑफ कैसे करना है वो दिखाते हैं। ड्रोन उड़ाते समय मेक श्योर आप उससे 5 फीट एटलीस्ट दूर हो ताकि कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको चोट ना लगे क्योंकि उसके प्रिपेलर्स बहुत ही फास्ट घूमते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक ड्रोन को उड़ाने के लिए यहाँ पे जो बटन है उससे एक बार दबा के दूसरी बार फिर से प्रेस करके होल्ड करके रखना है। ऐसे दबाएँ, दूसरी बार पकड़ के होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन ऑटोमेटिक उड़ने लग गया है, काफ़ी आवाज़ करता है इसके प्रिपेलर्स एंड ये अभी हवा में है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ रिमोट के फीचर्स दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैमरा, तो कैमरा व्यू लाइव व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम पूरा सेशन शूट करेंगे तो शूट पे डाल दिया है मैंने अभी। और हम सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ड्रोन को उड़ाना है। तो अगर आप ये बटन इस तरीके से करेंगे तो ड्रोन इस तरीके से जाएगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो लेफ़्ट साइड जाएगा, अगर आप इसे आगे ले जाएंगे तो ड्रोन आपकी तरफ मतलब सीधे आगे बढ़ेगा। एंड ये पीछे जाने के लिए ये उसके एंगल को चेंज करने के लिए है। यहाँ पे आप इस तरीके से एंगल चेंज कर सकते हैं, ये आप अल्टीट्यूड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं ड्रोन का। तो बहुत ही आसान है, एक बार आप सीख जाएंगे ड्रोन उड़ाना तो काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मुझे लगता है कि एक हफ्ते तक मैंने ड्रोन उड़ा के काफ़ी थोड़ा बहुत प्रो हो गया हूँ। तो यहाँ पे हम ऑल द वे हम जो ड्रोन का लाइव व्यू है वो देख सकते हैं एंड हमने काफ़ी दूर भेज दिया है ड्रोन को। एंड यहाँ पे सिग्नल्स थोड़े वीक है तो हम सिग्नल्स की तरफ जाते हैं ताकि ड्रोन के साथ हम कनेक्शन बढ़ाए रखें। यहाँ पे आप ड्रोन को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी हवा है एंड यहाँ पे ड्रोन की स्टेबिलिटी चेक कीजिए। एंड एक दिन तो काफ़ी हवा थी फिर भी ड्रोन काफ़ी स्टेबल रहता था हवा में एंड काफ़ी अच्छे शॉट्स आप इससे ले पाएंगे। अभी हम 4K में शूट कर रहे हैं उसको 30 FPS में, ऑल द वे ये 2K में 60 FPS एंड स्लो मोशन आप करना चाहे तो 100 FPS तक जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन कितना स्टेबल है हवा में एंड इट्स अ फन MI ड्रोन उड़ाना, काफ़ी मज़ा आता है। एंड हम उसको इस तरफ सिटी साइड के एरिया में उसको भेज रहे हैं एंड आप उसकी स्पीड देखिए, मैं बहुत ही फास्ट इसको उड़ाने वाला हूँ। अभी मैंने अंदर से इसकी सेटिंग्स चेंज करके उसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ड्रोन उड़ता है एंड ऑल द वे बहुत ही दूर पहुँच गया है वो ड्रोन। एंड आप देख सकते हैं वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे उतना दूर है अभी। एंड यहाँ पे फिर भी लाइव व्यू आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर डिस्टेंस की बात करें तो 300 मीटर तक दूर भेजा है हमने। चलिए ऑल द वे कितना सपोर्ट करता है उतना दूर हम भेजते हैं। एंड यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे उसको, कैमरा तो नहीं देख पाएगा, मगर हम लाइव व्यू से पता चला सकते हैं कि कितना दूर है ड्रोन, काफ़ी दूर भेज दिया है। एंड अभी 81% बैटरी है
फिर भी यहाँ पे देखो अभी लाइव व्यू थोड़ा चिपकने लगा है, फिर भी थोड़ी देर आप वेट करेंगे लाइव व्यू फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा। यहाँ पे ऑल द वे 500 मीटर ऑलमोस्ट ड्रोन गया है। अगर आपको लगे, चलिए मैं आपको एक फ़ीचर दिखाता हूँ कि भाई ड्रोन हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर फीचर है कि अगर ये रिमोट से डिसकनेक्ट भी हो गया और जैसे ही डिसकनेक्ट होता है ऑटोमेटिक ड्रोन अपनी जगह पे जहाँ से उड़ा था उस रास्ते वापस आ जाएगा। बहुत ही कमाल का फीचर है वो, एंड जब भी बैटरी कम होगी तो ऑटोमेटिक लैंड कर जाएगा, वो भी अच्छा फीचर है इसका। और यहाँ पे ये जो RTH मोड है, देखो अभी इसका कैमरा का कनेक्शन चला गया है, मगर उस ऑब्वियसली कैमरा बहुत ही दूर है तो ट्रांसमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं उसे RTH मोड में डालता हूँ तो ऑटोमेटिक वो वापस आने लग जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है एंड ड्रोन हमारी तरफ वापस बढ़ रहा है। ओके, तो ड्रोन हमें मिल गया है, वो हमारे सामने ही है। अभी हम उसके कुछ मोड्स को आजमाते हैं कि किस तरीके का शॉट्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहे कि किसी चीज़ या फिर एरियल या फिर आप सिनेमैटिक शॉट लेना चाहे या फिर अगर आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हैं सोच लीजिए, तो आप कहीं किसी जगह पे ऑब्वियसली गोल गोल ड्रोन को घुमाना चाहे, तो अगर बहुत ही एक्सपीरियंस ड्रोन पायलट होगा इसी वही मैन्युअली कर सकता है। अगर आप नए हैं तो आप किसी चीज़ का शूट करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, उसके ऑल द वे ऑर्बिट शॉट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि ड्रोन वो पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर है और मैं चाहूँगा कि उस बिल्डिंग के, ये जो हम एरिया में खड़े हैं वो बिल्डिंग का गोल गोल शॉट ले, तो वो कैसे ले सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि किस वे में, तो ऑर्बिट शॉट हम लेने के ट्राई करते हैं एंड फिर सेट POI कि कितने एरिया का करना है आपको शॉट। आपको रेडियस सिलेक्ट करना है तो मैंने इसका रेडियस सिलेक्ट कर दिया है। अल्टीट्यूड इसका होना चाहिए 50 मीटर एंड रेडियस ऑन वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी रखनी है तो 2 एंड कैमरा एंगल तो जो भी हो वो वैसे ही रखिए एंड ऑटोमेटिक आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन ऑटोमेटिक अपनी जगह चेंज कर रहा है एंड वो उस जगह पे जाना स्टार्ट कर देगा जहाँ से हमको शूट करना है, तो हम तब तक यहाँ पे से कैमरा संभालते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कैमरा एंगल सेट कर दिया है एंड वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाके उड़ने लगेगा एंड वो अभी अपनी जगह सिलेक्ट कर रहा है। देखिए आप, ऑटोमेटिक उसने शॉट भी लेना स्टार्ट कर दिया है एंड उस जगह पे आसपास वो गोल गोल ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगा। यहाँ पे आप ड्रोन देख सकते हैं कि वो सेट हो चुका है एंड वो राउंड एंड राउंड घूमना स्टार्ट कर दिया है उसने आसपास। एंड इस रेडियस को आप कम करके कोई ऑब्जेक्ट के आसपास घुमाना चाहे या फिर शादी के जो सेटअप होते हैं उसके आसपास, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसे शॉट ले पाएंगे। यहाँ पे आप इसके स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि किस वे में वो धीरे धीरे घूम रहा है एंड यहाँ पे शॉट रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ऑब्वियसली आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल उसका शॉट कैसे आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ड्रोन ही शॉट लेते हैं सिनेमैटिक, काफ़ी मूवीज़ में एंड काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा जिसके पास आप ड्रोन के शौकीन हैं, तो उस तरीके का शॉट आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे हवा आ रही है एंड काफ़ी स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है ड्रोन, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी हवा आ रही है एंड फिर भी ड्रोन काफ़ी स्टेबल है एंड आप फुटेज भी देख सकते हैं। तो चलिए हम उस टाइप का शॉट आपको दिखाते हैं कि आपको ड्रोनी शॉट कैसे लेना है। तो यहाँ पे चले जाइए एंड जो ड्रोनी फ्लाइट है उसे कर दीजिए एंड कैमरा जो मिडल में आप सेट कर दीजिए एंड नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको स्पीड टाइम सब सेट करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड स्टार्ट कर दिया है। 5 सेकंड में वो ऑटोमेटिक वो शॉट ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो शॉट लेगा।
बहुत ही कूल लगता है ये चीज़। एंड जो इसके अल्गोरिदम्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वे में जाता है ड्रोन, एंड बहुत ही अच्छा शॉट आपको मतलब मिलता है ऑल द वे अप जाएगा। एंड ड्रोनी मिशन कंप्लीट। और आप चाहते कि और भी दूर जाए तो वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़्लाइट के अंदर वे पॉइंट फ्लाइट है, यानी फ़्लाइट में एक जगह एंड दूसरी जगह जो एंड होती है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करवाना होता है और इस वे में जाता है। यहाँ पे मुझे एक फ़ीचर की कमी लगी, फॉलो मी फ़ीचर इसके अंदर नहीं है, यानी कि रिमोट के पीछे पीछे ड्रोन आए या फिर आपको ट्रैक करके मोबाइल को ट्रैक करके उस वे में, तो वैसा फ़ीचर नहीं है जो उसमें होना चाहिए था। मगर मुझे लगता है कि शायद आप ये जो R2H बटन है ऑटोमेटिक वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन आपके ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो शायद इस चीज़ को आप फॉलो मी की तरह यूज़ कर सकते हैं। शायद हम गाड़ी लेके इस बटन को यूज़ करके ट्राई करेंगे कि सच में वो वर्क करता है कि नहीं करता है। हाँ, मगर अभी तो आपके रिमोट के ऊपर एग्जैक्ट अल्टीट्यूड पे वो आके वहाँ पे थम जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड शायद ऑटोमेटिक वो हाइट भी कम कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली वो हाइट कम कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन को। एंड इस तरीके से इसका रिटर्न टू होम बटन क्लिक या यूज़ आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो बहुत ही अच्छा ड्रोन है, यहाँ पे मैं इसे फिर से फ्लाइट मोड में ला देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिम्बल कितना स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है। एंड काफी स्पीड में ड्रोन जाता है और हम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने के यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरी सिटी कैसी है तो उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही 28% 29% बैटरी आती है तो फ्लैशलाइट वहाँ पे ड्रोन की चालू हो जाती है, यानी कि बैटरी कम हो चुकी है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको ड्रोन को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। हम दो वे से ड्रोन को लैंड करेंगे एंड उसे फिर से उड़ा के भी देखेंगे। हमने वैसे तो ऑटोमेटिक उड़ाया था मगर अभी हम उसे मैन्युअली उड़ा के देखेंगे। तो ड्रोन हमारे पास आ चुका है। ओके, तो मैं अभी मैन्युअली उसे लैंड करवाने वाला हूँ। ओके, आप जब भी मैन्युअली आपको लैंड करवाना हो तो आपको कुछ इस तरीके का करना पड़ता है। तो आपको ये जो गियर है उसे ऑटोमेटिक इस तरीके से नीचे लाना है एंड जब वो लैंड हो जाए फिर वो ऐसे नीचे आपको दबा के रखना है एंड ऑटोमेटिक मोटर उसकी स्टॉप हो जाए वैसे आपको रखना है। तो ड्रोन हमारा लैंड हो चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप मैन्युअली इसे कैसे उड़ा सकते हैं अगर आप ऑटोमेटिक इस बटन का यूज़ ना करना चाहे, तो आपको ये दोनों गियर इस तरीके से रखना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन की मोटर स्टार्ट हो चुकी है एंड फिर आप इसे ऐसे उड़ा सकते हैं। यहाँ पे ड्रोन उड़ना स्टार्ट हो गया है। बैटरी लाइफ कम, बैटरी इसकी कम हो गई है तो मैं इसे नहीं उड़ाऊंगा कम ड्रोन में, मगर अभी मैं आपको ऑटोमेटिक लैंडिंग फीचर भी इसका बताता हूँ। एंड इस बटन को एक बार दबा के दूसरी बार दबाएंगे तो ड्रोन ऑटोमेटिकली लैंड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक लैंड हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंड वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो गया। ओके, तो जैसे ही ड्रोन की बैटरी ख़त्म होगी यहाँ पे आप ड्रोन में देख सकते हैं इस तरीके से सारी लाइट्स फ्लैश होने लगेगी। रात को भी ये लाइट्स बहुत अच्छी तरीके से आप दूर से नोटिस कर सकते हैं अगर आप रात को ड्रोन उड़ा रहे हैं। एंड अभी तो हमने काफ़ी सारे फुटेजेस आपको दिखा है कि दिन में वो कैसे शूट कर सकता है, उसके अलावा रात का भी फुटेज है हमारे पास जो यहाँ पे फन फेयर हुआ था एंड काफ़ी बड़ी जगह थी वहाँ पे मैंने कुछ शॉट लिए हैं, तो एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पे मैं आपको एट द एंड यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ
ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, जैसे कि यहाँ पे दो सेंसर्स है, यानी कि अगर नीचे ग्राउंड कितना नीचे है एंड ऑटो लैंडिंग ऑटो टेक ऑफ में वो चीज़ मदद करेगी। एंड अगर फ्लाइट टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 to 21 मिनट्स मिलते हैं एवरेज फ्लाइट टाइम, कभी कभी 19 मिनट भी मिले हैं, कभी कभी 23 मिनट 24 मिनट्स मिले हैं। कंपनी क्लेम करती है 27 मिनट्स का। अगर आप बहुत ही कम उसको उसके मोटर पे फोर्स करें, बहुत ही कम उसको स्पीड में चलाएं एंड एक जगह पे अगर रखते हैं तो शायद आप बेस 25-26 मिनट का फ्लाइट टाइम इसमें ले सकते हैं। अगर DJI के सबसे एडवांस ड्रोन्स की बात करूँ तो शायद 30 मिनट्स के ऊपर किसी का भी फ्लाइट टाइम नहीं है। तो 40-45,000 में ये ड्रोन मुझे बेस्ट वैल्यूएबल ड्रोन लगा। इसकी अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी 7-8,000 रुपीज़ में। एंड इसमें सारे फीचर्स हैं, सिर्फ फॉलो मी फीचर नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो वारंटी आपको नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा कॉन्स हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फुटेज की क्वालिटी देख लीजिए आपको कैसे लगा। मेरे हिसाब से बहुत ही सही है। अगर बात करें 1080 की तो मुझे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। अगर आप स्लो मोशन करना चाहते हैं तो आप ऑल द वे 1080 मत जाइए, 2K तक ठीक है। बाकी 4K में इसकी क्वालिटी बहुत ही सही है। शायद इतना प्रोफेशनल इसका कैमरा नहीं है जो DJI आपको प्रोवाइड करता है। स्लाइट एज DJI को ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगी अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें। बाकी एक ओवरऑल अगर 40-45,000 में अगर आप DJI में जाएंगे तो आपको स्पार्क मिलेगा और उसमें 1080 है, 4K नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किंग है अगर उस बजट में हम जाए तो। बहुत ही अच्छा ड्रोन है, मुझे काफ़ी पसंद आया एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस ड्रोन से। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी साइट्स छोड़ी है नीचे, आप ख़रीद सकते हैं। इंडिया में भी ऑफलाइन स्टोर्स में, बोरा बाजार में जो स्टोर में से मैंने ख़रीदा उसके भी मैंने यहाँ पे एड्रेस छोड़ा है, तो वहाँ पे भी जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो बस शायद मेरा एक ड्रीम यहाँ पे ड्रोन के मामले में कंप्लीट हो गया है। एंड MI का ड्रोन बहुत ही अच्छा है, MI पे ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अंकुर से थोड़ा आपको मिलता है और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। आपका दिन शुभ रहे।